अधिकार है। मुर्दाबाद 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 दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी आज महिला और बाल विकास विभाग के आगे भूख हड़ताल की शुरुआत कर रही हैं। आपको मालूम हो कि दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर मानदेय बढ़ोतरी की मांग और अन्य कई मांगों को लेकर 31 जनवरी से हड़ताल की थी। 38 दिनों तक चली इस हड़ताल में सरकार ने जो इनकी जायज मांगे थी वो भी पूरी नहीं की और बदले की भावना से सिर्फ और सिर्फ हड़ताल में शामिल होने का हवाला देते हुए 884 आंगनवाड़ी कर्मियों को काम से बर्खास्त कर दिया। ये वही दिल्ली सरकार है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे पूरी दिल्ली में हजारों लाखों खर्च करके महिला सशक्तिकरण के बोर्ड लगवाती फिरती है और उसके प्रचार पे पैसे खर्च करती है, लेकिन यही वो दिल्ली की महिलाएं हैं, देश की राजधानी की महिलाएं हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने की वजह से काम से निकाल दिया गया। आज इनके घरों में जो हालत है, जो परेशानी है, वो पिछले 6 महीने से ये जूझती आ रही है, लेकिन इस निकम्मी सरकार और इस पूरे विभाग के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। आज यहाँ पे लोग परेशान होकर भूख हड़ताल की शुरुआत कर रहे हैं। 10-11 अक्टूबर को भूख हड़ताल है। आने वाले दिनों में अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो हम कोर्ट केस के जरिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे और दोबारा से जो डिपार्टमेंट का काम है वो ठप किया जाएगा। हम अपनी हड़ताल, भूख हड़ताल यहीं शुरू करेंगे, आमरण अनशन यहीं शुरू करेंगे। 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स है जिनको बात हुई है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग से कई बार हमारी वार्ताएं हुई है डेलीगेशन की, लेकिन हर बार वार्ताओं में इन्होंने भी माना है कि ये जो पूरा टर्मिनेशन हुआ है वो स्ट्राइक में लोगों को आने से रोकने के लिए इन्होंने जानबूझ के टर्मिनेशन किया है। ये बात ये मान रहे हैं तो जाहिरा तौर पे ये लोगों को या तो वापस ले, जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें ये अपनी गलती स्वीकार करें और जल्द से जल्द लोगों को काम पे बहाल करें। अभी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं राज्यों में, तो दिल्ली से केजरीवाल के द्वारा काफी बोला जा रहा है कि महिला के लिए हमने ये किया, दिल्ली के लिए ये किया, की आवाज बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया, ऐसे वादे किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों। इसका सबसे सटीक उदाहरण अभी आपको मिल जाएगा जब पंजाब में चुनाव होने वाले थे। पंजाब में चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार वहां जाके वहां की महिलाओं से ये वादा कर रही थी कि अगर हम जीत के आते हैं तो हर महिलाओं को 1,000-1,000 रुपए दिए जाएंगे और आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन आज पंजाब में उनकी सरकार बने 6 महीने से अधिक होने वाले हैं। आप जाके वहाँ की हालत को देख लीजिए और वहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर्स से पता कर लीजिए, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं दिया गया। ये केजरीवाल सरकार मोदी की छोटी का छोटा भाई है। जुमले फेंकने में, झूठ बोलने में ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कुछ ही दिनों में पछाड़ने वाले हैं। तो दिल्ली की महिलाएं एक तरफ तो सड़कों पे है, ये केजरीवाल सरकार को नहीं दिख रहा है, उनके नेता मंत्रियों को नहीं दिख रहा है। दिल्ली के कोने कोने से महिलाएं उठ करके लगातार आए दिन प्रदर्शन कर रही हैं, केजरीवाल सरकार को ये पता है। लेकिन ये तमाम सरकार और उनके ये अधिकारी अफसर महोदय ये बैठ करके जिनके दम पे बैठे हैं, आज उनकी मांगों की सुनवाई करने के लिए हमें भूख हड़ताल और अनशन जैसी चीज़ें करनी पड़ रही है। अभी हमारी तात्कालिक मांग जो है वो ये है कि टर्मिनेशन रद्द किया जाए, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म जो डिमांड है वो ये है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि जो हमारा काम है वो परमानेंट नेचर का काम है, स्थायी प्रकृति का काम है। बच्चों के न्यूट्रिशन से लेकर के उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर लैक्टेटिंग मदर्स को जो बेनिफिट्स पहुंचाना है वो सारे काम परमानेंट नेचर के हैं। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा काम भी पक्का होना चाहिए, स्थायी कर्मचारी का काम होना चाहिए। हम जिनके अंडर काम कर रहे हैं वो लोग परमानेंट हैं, तो हमें क्यों नहीं परमानेंट किया जा सकता है।
पहले तो नाम बता दीजिए। सुनीता डागर। आज महिलाएं बाल विकास विभाग के सामने खड़े हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं बताएं? डिमांड कुछ नहीं है, जो कि स्ट्राइक चली थी, स्ट्राइक चलते हुए स्ट्राइक का एलिगेशन लगा के इन लोगों ने छुट्टी के दौरान सभी वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेशन लेटर दिए, जिसमें 1000 वर्कर और हेल्पर निकाली गई, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि स्ट्राइक करना एक संवैधानिक अधिकार है, तो उस अधिकार को ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा गलत तरीके से टर्मिनेशन लेटर। कितना समय हो गया है जो टर्मिनेट किए हुए हैं? हमने स्ट्राइक खत्म होते ही, एस्मा लगते ही हमने आंगनबाड़ी अपना कार्य ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद सेकंड सैटरडे और संडे को टर्मिनेशन लेटर जारी किए जाते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं। उसके बाद क्या समस्या, क्या क्या आई है आपको, टर्मिनेट कर दिया गया है? कुछ वर्कर और हेल्पर ऐसे हैं जो इसी पे डिपेंड थी, किराए पे रहती है, विडो है, जिनका मतलब गुजारा ही उससे होता था, तो ये सरकार की नारी के प्रति भावना दिख रही है कि वो नारियों का कितना सम्मान करते हैं। अभी इलेक्शन है कुछ राज्यों में, तो हम नारी शक्ति दिखा देंगे अब की बार टर्मिनेशन, जो इन लोगों ने गलत तरीके से टर्मिनेशन करे हैं, अब की बार आने वाले चुनाव में हर एक पार्टी का हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर पार्टी पार्टी के विरुद्ध आंदोलन करती है तो वो आंदोलन जायज है। केजरीवाल जी की जो पार्टी आई है वो भी आप जानते हैं, आंदोलन के जरिए आई है, जो सत्ता में बैठे हैं आज वो हम लोगों के आंदोलन को गलत ठहरा के हमारे टर्मिनेशन किए गए, जो कि एक बेबुनियाद और बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक शोषण है और इस शोषण को दूर करने के लिए आज हमारी भूख हड़ताल है। पर दिल्ली सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है दिल्ली में, तो वो तो दिख रहा है महिलाओं के लिए क्या क्या, कितना शोषण कर रहे हैं। इतनी मजबूर औरतें हैं, विकलांग हैं, मैं खुद विकलांग हूँ, राइट साइड मेरी पूरी वीक है, विकलांग है, विडो है, जो बिल्कुल इसी पे डिपेंड थी, ऐसी औरतों को इन्होंने एकदम बाहर निकाल फेंका बगैर कोई टाइम पीरियड दिए, खाली एक धरना प्रदर्शन में शामिल होना इन्होंने गलत ठहराया। मैं भी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम तो सरकार की एक स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो आम नागरिक भी करता है उसको भी ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने हकों की लड़ाई एक आंदोलन करके लड़ सकता है। धन्यवाद।